नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट मैंने 220 रुपए का खरीदा है तो उसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर किस सेलिंग प्राइस पर सेल करूं? अगर आप एक नए ऑनलाइन सेलर हैं और आपके दिमाग में भी इस टाइप का डाउट आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ दो मेथड डिस्कस किए हैं जिससे कि आप सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते वक्त आपको किन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन सेलिंग में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है और ज्यादातर ऑनलाइन सेलर अभी भी सेलिंग प्राइस को ऐसे ही अजम्पशन के हिसाब से रख देते हैं, लेकिन उससे या तो वो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि वो जो सेलिंग प्राइस रख रहे होते हैं उसमें जब हम मार्केट प्लेस की कमीशन और जो सभी फीस लगती है वो कट कर देते हैं तो उसके बाद जो उनकी कॉस्ट प्राइस है उससे भी कम उन्हें सेटलमेंट अमाउंट मिल रहा होता है, या फिर अगर वो ज्यादा प्रॉफिट ले रहे होते हैं तो उस केस में उन्हें ऑर्डर्स ही नहीं आते। इसलिए हमें एक एक्यूरेट सेलिंग प्राइस रखना होता है। अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमें 10% प्रॉफिट लेना है या फिर 15% प्रॉफिट लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 220 रुपीज है तो 10% प्रॉफिट और सभी फीस एड करने के बाद हमारी सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आएगी, और इस वीडियो में मैंने वही मेथड डिस्कस किया है जिससे कि आप निकाल पाओगे सेलिंग प्राइस को खुद से ही। और ये मेथड जानने के बाद आप किसी भी मार्केट प्लेस पर किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको एक एक करके दोनों मेथड सिखाऊं, आपको पता होना चाहिए कि किन तीन पैरामीटर्स पर हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो डिपेंडेंट होती है। वो तीन पैरामीटर्स है कैटेगरी कि वो प्रोडक्ट जो है किसी भी मार्केट प्लेस पर कौन सी कैटेगरी में आता है, तो हमें कैटेगरी पता होनी चाहिए। दूसरा है वेट कि उस प्रोडक्ट का, और बल्कि प्रोडक्ट ही नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पैक्ड प्रोडक्ट का वेट कितना है, और तीसरा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो अगर हमें तीन बातें पता होगी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो हम सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम कैटेगरी ले लेते हैं। तो मैं अभी इधर एक प्रोडक्ट लेकर चल रहा हूं जो कि है क्लॉक, तो वो क्लॉक कैटेगरी में आता है, तो इधर मैं कैटेगरी में लिख देता हूं क्लॉक। फिर नेक्स्ट है वेट। वेट में आपको पता होना चाहिए कि हमें डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो भी वेट ज्यादा है वही कंसिडर करके चलना है। वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वेट में बेसिकली जो प्रोडक्ट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उस हिसाब से वेट निकल कर आता है, और डेड वेट वो होता है जो कि आप वेइंग मशीन के ऊपर रखकर प्रोडक्ट को मेजर करते हो। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट में से जो भी वेट ज्यादा होगा आपको वही इधर लिखना है। अब मैं कंसिडर कर लेता हूं कि इस प्रोडक्ट के केस में डेड वेट ज्यादा है और डेड वेट है हमारा 700 ग्राम्स। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के केस में आपको एक चीज पहले से ही पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस है 220 रुपीज, लेकिन 220 रुपीज बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 220 रुपीज है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब जैसे मैं अगर मानकर चल लेता हूं कि ये जो 220 रुपीज है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इसमें मुझे जीएसटी जो है वो एड करना पड़ेगा, और अगर क्लॉक के केस में 18% जीएसटी रेट है तो 220 प्लस 18% जीएसटी हो जाएगा, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 20% प्लस 18% जीएसटी हो गया 259.6 रुपीस, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि कैटेगरी हमारी क्लॉक है, वेट हमारा 700 ग्राम्स है, और कॉस्ट प्राइस हमारी 259.6 है, ना कि 220 रुपीस। तो हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ये तीन चीजें जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि उसी के बाद हम सेलिंग प्राइस फाइंड करने का मेथड जो है स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए, बेसिकली अगर हम दो मार्केट प्लेस की बात करें, फ्लिपकार्ट और अमेजन, तो फ्लिपकार्ट पर जो फीस लगती है किसी भी सेलिंग प्राइस पर वो लगती है कमीशन फीस, फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी और शिपिंग फी, और अमेजन पर जो फीस लगती है वो लगती है रेफरल फी, क्लोजिंग फी और शिपिंग फी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तीनों फीस लगती हैं अमेज़न पे और ये चारों फीस लगती हैं फ्लिपकार्ट पर, तो जो भी हमारा सेलिंग प्राइस निकलने वाला है उसमें ये जो फीस है वो डिडक्ट हो जाएंगी। तो देखिए, अब मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमेज़न पर कैलकुलेशन करके बता देता हूं, बाकी आप फ्लिपकार्ट या किसी और मार्केट प्लेस पर आप खुद से ही कर सकते हैं। अब सबसे पहले आता है अमेज़न में रेफरल फीस। तो क्लॉक के केस में आप देख सकते हैं अमेज़न की जो कैटेगरी वाइज रेफरल फी है, तो क्लॉक के केस में अमेज़न की रेफरल फी होती है 8% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इधर हमारा जो पहला मेथड है वो है एग्जैक्ट मेथड, जिसमें हमारा सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो इस मेथड में हम सेलिंग प्राइस को अभी एक्स कंसीडर करके चल लेते हैं, तो हमारा जो रेफरल फी हो गई वो 8% ऑफ एक्स हो गया।
तो इसे आप करोगे तो 0.08x हो गया, ये हमारी रेफरल फीस हो गई। इसके बाद आता है क्लोजिंग फी, तो क्लोजिंग फी आप इस टेबल के हिसाब से देख सकते हैं कि क्लोजिंग फी जो है वो सेलिंग प्राइस की रेंज के ऊपर डिपेंड करती है कि 251 से 500 रुपीज तक है तो 8 रुपीज क्लोजिंग फी होगी। अब आप देख सकते हैं हमारे केस में जो सेलिंग प्राइस निकल के आने वाली है ऑब्वियसली वो 500 से बिलो ही आने वाली है, क्योंकि 259.6 तो कॉस्ट प्राइस ही है, तो 500 के पार तो पहुंचेगी नहीं, तो इसलिए हमारी क्लोजिंग फी हमें पता चल गई 8 रुपीज हो गई। नेक्स्ट है शिपिंग फीस। शिपिंग फीस जो है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट करती है, एक तो आइटम की डिलीवरी लोकेशन पर और एक आइटम के वेट पर। तो अभी हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, वेट तो हमें पता ही है और हम नेशनल डिलीवरी का मतलब आपको पता है लोकल जोनल और नेशनल तीन तरह के डिलीवरी एरिया जो है डिवाइडेड होते हैं, तो हम नेशनल जो जिस पे कि सबसे ज्यादा डिलीवरी चार्जेस लगते हैं वही कंसिडर लेकर चलते हैं, जिससे कि क्या होगा अगर लोकल और जोनल का आया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है घटने नहीं वाला। तो इसलिए शिपिंग फीस अगर आप देखोगे इस चार्ट के हिसाब से तो 700 ग्राम्स के केस में पहले 500 ग्राम्स के केस में तो हमें लगेगा 69 रुपीज और नेक्स्ट 500 ग्राम्स के केस में हमें लगेगा 26 रुपीज, तो ये हो गया 95 रुपीज। तो 95 रुपीज हमें शिपिंग फीस लगेगा, तो हमारी जो टोटल फीस लगने वाली है वो हो जाएगी 0.08x प्लस 8 रुपीज प्लस 95 रुपीज। इसको मैं और ब्रीफ करूं तो 0.08x प्लस 103 रुपीज, तो ये हमारी टोटल फीस जो है वो निकलकर आ गई है। तो फ्रेंड्स अब आपने ये तो देख लिया कि हमारी टोटल फीस इतनी है, तो अब आपको पता है इस फीस पर हमारी जीएसटी भी लगेगी, तो अब हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जीएसटी जो होती है हमारी 18% होती है, 18% ऑफ हमारी टोटल जो भी फीस लगेगी, तो टोटल फीस है 0.08x प्लस 103, तो ये हो गया 0.18 इंटू 0.08x प्लस 103। अब मैं फ्रेंड्स इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, तो फ्रेंड्स ये तो हमारी अब जीएसटी निकल कर आ गई है जो हमारी इस फीस पर लगने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा, सेलिंग प्राइस अभी मैंने आपको बताया हम कंसिडर करके चल रहे हैं एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है हमारी 259.6 प्लस हमारी टोटल फीस, टोटल फीस है 0.08x प्लस 103। फिर उसके बाद है हमारी जीएसटी ऑन टोटल फीस, तो 0.0144x प्लस 18.54 और इसके बाद आएगा हमारा प्रॉफिट। तो अभी हम कंसिडर करके चल लेते हैं कि हम 10% प्रॉफिट मार्जिन रखने वाले हैं, आपके केस में आप 15 भी रख सकते हैं 12 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि 10 से 15 के बीच में ही आपको रखना चाहिए। तो अगर 10 से 15 है, इधर मैं 10 लेकर चल रहा हूं कि एग्जैक्ट 10% मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो ये हो जाएगा 10% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 0.1x। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया और इसमें हमें फ्रेंड्स x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये बिल्कुल आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा जो बेसिक इक्वेशन होती थी और उसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी, बिल्कुल वही है। अब फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपकी बढ़ने वाली है और ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर से करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन इस मेथड से आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस जो है निकल कर आती है। तो मैं एक बार इस कैलकुलेशन को पहले कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर हमारी जो x की वैल्यू निकल कर आ गई है वो 473.11 आ गई है और 473.11 ही हमारा एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस है। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दे तो 473 हो जाएगा। तो अगर हम 473 रुपीज सेलिंग प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और ऑर्डर हमारा नेशनल रीजन से आता है तो हमें एग्जैक्टली 10% का प्रॉफिट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन इसमें एकदम एक्यूरेट सेलिंग प्राइस निकल कर आती है। तो फ्रेंड्स आपको मेथड वन तो समझ में आ गया होगा और अब मैं आपको बताता हूं मेथड टू। तो देखिए मेथड वन में तो हमने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट निकाला है, इसमें हमने एक्स को बेसिकली सेलिंग प्राइस कंसिडर कर लिया था और सारी कैलकुलेशन हमने करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और एक्स हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। लेकिन मेथड टू में हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, मेथड टू बहुत ही आसान है। मेथड टू में हम रेंडमली कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो 450 रुपीज है और 450 रुपीज के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। अब प्रॉफिट हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम है तो हमें सेलिंग प्राइस बढ़ानी होगी और प्रॉफिट हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा है तो हमें सेलिंग प्राइस कम करनी होगी। तो इस मेथड को हमने नाम दिया है अजम्पशन मेथड और पहला वाला जो मेथड था वो था एग्जैक्ट मेथड, जिसमें हमारा एकदम एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस निकल के आता है और इसमें हमें पहले अज्यूम करना है कोई सेलिंग प्राइस और उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है कि जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम है या फिर ज्यादा है। तो देखिए जैसे मैंने 450 ले लिया तो हमारी रेफरल फीस हो जाएगी 0.08 इंटू 450
ठीक है, इसे मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद इधर तो ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये आगे 36 रुपीज। क्लोजिंग फी आपको पता ही था 8 रुपीज थी और शिपिंग फी हमारी हो गई 95 रुपीज। तो हमारी अगर टोटल फीस की मैं बात करूं तो 36 + 8 + 95, तो ये हमारी हो गई 36 + 8 + 95, तो ये हो गई 139 और जीएसटी हमारी हो गई इस पे 25.02। तो देखिए अब हमें दोबारा से वही फॉर्मूला लगा देना है, मैं आपको एक बार दोबारा से फॉर्मूला लगा के बता देता हूं फ्रेंड्स। देखिए इधर हमने करा 450 हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, फिर हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 259.6 रुपीज, फिर हमारी जो फीस थी वो है 139 रुपीज, फिर हमारी जो जीएसटी है वो है 25.02 और फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो से हम इस बार एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो इधर हम एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 450 माइनस 259.6 माइनस 139 माइनस 25.02, बस तो ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 26.38। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 26.38 बाय 450 इनटू 100, तो इसमें आ जाएगा 5.86%। तो देखिए फ्रेंड्स इधर हमने अज्यूम करके चला कि हमारी सेलिंग प्राइस 450 रुपीज है, तो हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 5.86% आ रहा है। तो इस मेथड से हमने एक अज्यूम करके चला हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, हमें 10% प्रॉफिट ले करना है, तो हमें जो है अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो हमने 450 ली है ये बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको अलग अलग वैल्यू पे अज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप 473 रुपीज लोगे तो एग्जैक्ट 10% प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था। तो फ्रेंड्स यही दोनों तरीके हैं जिससे कि आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स आपसे आप किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इन दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको एक्सेल में सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है, और उसमें मैंने आपको फ्लिपकार्ट की सभी फीस का कैलकुलेशन करके बताया है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स रैंडमली आप कभी भी इस तरीके से तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको डेली बेसिस पर ऐसे नहीं करना है। डेली बेसिस पर तो आपको एक्सेल के थ्रू करना है, क्योंकि काम जो है बहुत आसान हो जाता है, फॉर्मूला हमें एक बार लगाना पड़ता है और उसके बाद ड्रैग करोगे तो सभी प्रोडक्ट के लिए वो फॉर्मूला जो है लग जाएगा। बस हमारी कैटेगरी जो है सेम होनी चाहिए, क्योंकि कमीशन उसी के हिसाब से डिसाइडेड होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा दोनों ही तरीके जिससे कि हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो भी ऑनलाइन सेलिंग फील्ड में हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।